गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट मी स्टार्ट विद द शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन। सो दिस इज द सम विच वी विल बी डूइंग टुडे। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले क्रेडिटर्स है and creditors is of 5,000, there is a loan which is mortgage on premises, मतलब premises को रख के the loan has been taken from the bank which is worth 30,000, the loan is worth, the premises is worth 40,000 and the loan which has been taken is for 30,000. फिर यहाँ पे पार्टनर्स लोन है एंड द पार्टनर इज मिस्टर ए हु हैज गिवन लोन टू द बिजनेस फॉर ₹15,000। देयर इज जनरल रिजर्व फॉर 5,000 एंड वी हैव पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज ए बी एंड सी इज कैपिटल 50,000। ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है 40,000 और सी का कैपिटल है 23,000। यहाँ पे हम देखेंगे किसने एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है, उसको पहले पे करेंगे। इसके बाद लेट अस गो टू द असेट साइड। असेट साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट असेट साइड में, कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट असेट इन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन इज कैश बैलेंस एंड द कैश बैलेंस इज 3,000। तो हम क्या करेंगे, ये 3,000 को हम, जो 3,000 का कैश बैलेंस है उसको हम, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैश से हम हमारा लाइबिलिटी पे करेंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कितना है देखो, क्रेडिटर है, लोन है, पार्टनर्स लोन है, फिर तीन कैपिटल है, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट है। ये तो हम पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ लेट अस कम टू द फर्दर क्वेश्चन। द असेट्स वर रियलाइज पीस मील एज फॉलोस। जून में सबसे पहले 5,000 मिला After meeting in full the mortgage loan, इसका मीनिंग क्या है, ये जो 30,000 का मॉर्गेज लोन था, ये मॉर्गेज लोन को फुल्ली मीट करने के बाद, मतलब इसको पूरा का पूरा पे करने के बाद, जो बैंक है उससे 5,000 मिल गया। इसका मीनिंग क्या है, जब प्रीमाइसेस को बैंक ने सेल किया उनके लोन के लिए, तो कितना मिला होगा, ये लोन तो 30,000 का है पर बैंक को 35,000 मिला। तो बैंक ने क्या किया, 30,000 रख लिया फॉर द लोन एंड रिमेनिंग 5,000 जो एक्स्ट्रा मिला है, लोन तो सिर्फ 30,000 का है और मिला 35,000, तो जो 5,000 है वो फर्म को वापस दे दिया आफ्टर कॉम्पेंसेटिंग फॉर द, आफ्टर टेकिंग द अमाउंट फॉर द लोन विच वॉज गिवन बाय द बैंक अगेंस्ट द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस वैसे तो 40,000 का है, वो इररिलेवेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्रीमाइसेस को बेच के हमें, हमने हमारे लोन को पे कर दिया, वो हमें कैसे पता चल रहा है, ये सेंटेंस रीड करके कि ₹5,000 received after meeting in full the mortgage loan. Mortgage loan को पूरा पे करने के बाद हमें कितना पैसा वापस मिला बैंक से, 5,000। तो ये 5,000 जो हमें मिल चुका है, अब इसको हम यूज करेंगे टू पे द अदर लाइबिलिटीज। इसके बाद
जुलाई में हमें डेटर से 15,000 मिला और स्टॉक से 10,000, तो मिला के हमें टोटल मिला 25,000. 15,000 फ्रॉम डेटर प्लस 10,000 फ्रॉम स्टॉक, सो 15 + 10 इज इक्वल टू 25,000. देन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट वी गॉट रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 25,000 फ्रॉम स्टॉक, विच इज 20 + 25, दैट इज 45,000. सितंबर में हमें डेटर से मिला 17,000 और हमें स्टॉक से मिला फाइनल अमाउंट है बोल के 23,000. तो 17,000 और 23,000 को प्लस करो, होता है 40,000. सो हमें सितंबर मंथ में 40,000 मिला एंड दे से दिस रिमेनिंग स्टॉक, अभी भी स्टॉक बचा हुआ था, वो स्टॉक को बी लेके गया, वॉज टेकन ओवर बाई बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000. मतलब सितंबर महीने में हमें 17,000 डेटर से मिला, 23,000 स्टॉक से मिला और बी जो है बचा हुआ स्टॉक घर पे लेके गया. लेकिन उसने कितना पैसे हमें दिए वो इम्पोर्टेंट है, वो कितना भी स्टॉक घर पे लेके जाने दो, वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है. मैटर ऑफ कंसर्न इज हाउ मच मनी डिड ही पे टू द बिजनेस. ही पेड 3,000. तो हमें 17,000 मिला प्लस 23,000 विच इज इक्वल टू 40,000 प्लस 3,000 दैट इज फ्रॉम द स्टॉक जो बी ने पे किया. पूरा मिलाकर सितंबर में हमें 17 + 23 + 3 पूरा मिला के 43,000 मिल गया. अब इसके बाद सितंबर के बाद द क्रेडिटर्स वे सेटल फॉर ₹4,000. क्रेडिटर्स कितने का है देखो, क्रेडिटर्स 5,000 का है, पर हमने क्रेडिटर्स को कितना पे करके सेटल किया, 4,000. मतलब 1,000 का डिस्काउंट मिला. क्रेडिटर 5,000 नहीं दे रहे, हम क्रेडिटर्स को कितना देंगे, 5,000 नहीं देंगे, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. हम क्रेडिटर्स को 4,000 ही पे करेंगे बिकॉज द क्रेडिटर्स वर सेटल फॉर ₹4,000. इसके बाद द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रियलाइज. पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, जैसे कैश मिला वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रियलाइज. पहला रियलाइजेशन मिला तो डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा मिला तो डिस्ट्रीब्यूट किया, तीसरा मिला तो डिस्ट्रीब्यूट किया. जैसे जैसे कैश मिला वैसे वैसे लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट. नाउ व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अप्लाइंग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जो कि पहला ही मेथड का दूसरा नाम है. एक्सेस कैपिटल मेथड को हम हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोलते हैं. तो पहला स्टेप रहेगा हमारे लिए टू कैलकुलेट द एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट, और उससे हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट पता चलेगा पार्टनर्स के लिए. तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे कैपिटल बैलेंस. सो व्हाट इज द कैपिटल बैलेंस, लेट अस चेक. ए बी और सी का क्या बैलेंस है, 50,000, 40,000 और 23,000. तो यहाँ लिखेंगे 50,000, 40,000 बी का और सी का है 23,000. द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कैपिटल बैलेंस में हम कुछ ऐड करेंगे क्या, क्वेश्चन में कोई रिजर्व फंड है. रिजर्व फंड होगा तो वो हम पार्टनर्स को, रिजर्व फंड होगा तो क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ देखो क्वेश्चन में इज देयर एनी रिजर्व फंड, क्वेश्चन में रिजर्व फंड है क्या, है रिजर्व फंड. यस करेक्ट आंसर, रिजर्व फंड इज देयर. सो लेट अस सी द अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड. रिजर्व फंड दैट इज जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है और जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10,000 और रेशो है
2:1:1, तो हम क्या करेंगे, हम जाके जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर ये 10,000 टोटल पता है हमें, हमें इंडिविजुअल पार्टनर्स को कितना देना है वो नहीं मालूम. तो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट ऑफ ए बी एंड सी. इनका पीएसआर क्या है पहले लिख लो. इनका पीएसआर है 2:1:1, मतलब दो शेयर प्रॉफिट का किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, एक शेयर बी को और एक शेयर सी को. तो इसके अकॉर्डिंगली जनरल रिजर्व को डिवाइड करना है. जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 10,000 का. तो ये 10,000 को हमें ए को देना है, तो कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 2/3, 2+, देखो 2+, सॉरी इट इज नॉट 3, इट इज 4. कैसे, 2+1+1 इज 4, सो 2/4. हमने तीनों के शेयर को टोटल किया, दो शेयर प्रॉफिट का ए को मिल रहा है, एक शेयर प्रॉफिट का बी को मिल रहा है और एक शेयर सी को मिल रहा है, तो 2+1+1 इज 4. इसके बाद अगेन बी को कितना मिलेगा, देखो 1/4, एंड सी को भी मिलेगा 10,000 इंटू 1/4. तो लेट अस सी द अमाउंट, 2/4, इज इट कमिंग टू 5,000, 1/4, इज इट कमिंग टू 2,500, एंड 1/4, इज इट कमिंग टू 2,500. तो सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जाके जनरल रिजर्व को ऐसे डिवाइड करेंगे कि इसको मिलेगा, ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 2,500, एंड सी को देंगे 1 लेवल में नहीं आ रहा है, फिर से ये वाले कॉलम ही नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. हाँ, इधर से स्टार्ट करते कैपिटल बैलेंस. वंस अगेन अ रिपीटेशन फॉर ऑल यू ऑल, कैपिटल बैलेंस है, हाउ मच इज द कैपिटल बैलेंस, 50,000, इट इज बी को मिल रहा है 40,000 और सी को मिल रहा है 23,000. सेम वे इसमें ऐड करना है, जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व जो है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, इसको मिल रहा है 5,000, बी को मिल रहा है 2,500 और सी को मिल रहा है 2,500. ये कैसे मिला, जब हमने रेशियो डिवाइड किया तब हमें पता चला. अब हमें जो मिलता है उसको बोलेंगे नेट कैपिटल बैलेंस. नेट कैपिटल बैलेंस क्या है, 55,000, 50,000 प्लस 5,000,
ये हो जाएगा 42,540 प्लस 2,500, ये हो जाएगा 25,500। हमें नेट कैपिटल बैलेंस मिल गया। अब क्या करना है? अब हमें लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? टू इस टू वन इस टू वन। अब हम लोग निकालेंगे, ये मिलने के बाद निकालेंगे यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल क्या है? यूनिट कैपिटल इज इक्वल टू नेट कैपिटल बैलेंस डिवाइड बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो ऊपर का ये दोनों है, नेट कैपिटल बैलेंस एन सी बी डिवाइड बाई पी एस आर, दिस इज अवर यूनिट कैपिटल। तो एक मिनट जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, 55,000 डिवाइड बाई टू करो, देखो कितना आंसर आता है। 55,000 डिवाइड बाई टू, आपको सबको 27,500 आया। सेम वे 42,500 डिवाइड बाई वन इज द सेम आंसर। 25,500 डिवाइड बाई वन गिव्स द सेम आंसर। अब बताओ यहाँ पे सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 25,500। इसको हम बेस लेंगे, तो टेकिंग टेकिंग सीस कैपिटल एस बेस, हम क्या करेंगे? दैट इज हाउ मच? 25,500 इनटू पी एस आर करेंगे, तो 25,500 इनटू पी एस आर मतलब 25,500। ए का पी एस आर कितना है? टू है, तो इनटू टू करो, आंसर आएगा 51। इसको एक लाइन नीचे लिखना है मेरे को, इसको बोलेंगे 51,000। सेम वे 25,500 इंटू वन, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 25, आई मीन वन, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वन, तो 25,500 इंटू पी एस आर करना है, तो 25,500। क्यों 25,500? क्योंकि सबसे छोटा जो यूनिट कैपिटल मिला उसी को हम बेस लेते हैं। तो ये करने के बाद नेक्स्ट सी का भी पी एस आर इज द सेम वन, एंड यूनिट कैपिटल है 25,500, सो 25,500 इंटू वन, तो ये सेम अमाउंट आएगा। सो अब ये जो आंसर हमें मिला है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सो अब नेक्स्ट हम जो स्टेप में जाएंगे उसको बोलेंगे इंटरिम एक्सेस कैपिटल। ये कैसे मिलेगा हमें? नेट कैपिटल बैलेंस माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ये नेट कैपिटल बैलेंस है 55,000 और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 51,000, तो कितना हो जाएगा? 55 माइनस 51, ये हो जाएगा 4,000। नेट कैपिटल बैलेंस 55, प्रोपोर्शनेट कैपिटल 51, तो माइनस करो 55 से 51, 4,000 मिला। 42,500 इज द नेट कैपिटल बैलेंस,
42,500 माइनस करो 25,500, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 17,000, और 25,500 वॉज अ नेट कैपिटल बैलेंस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी सेम है तो नील आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इसका 2 है, इसका 1 है, दूसरा तो नील हो गया, लिखने का जरूरत नहीं है। सेम वे अब अगेन वी विल डू द सेम थिंग, यूनिट कैपिटल चार्टर्स देयर इफ यस, क्या नहीं समझा? 51,000, देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगी। यूनिट कैपिटल इज व्हाट? यूनिट कैपिटल इज इंटरिम एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय पी एस आर, दिस इज यूनिट कैपिटल। तो 4,000 डिवाइड बाय 2 इज हाउ मच? 2,000, एंड 17,000 डिवाइड बाय 1 इज हाउ मच? 17,000। अब मुझे बताओ किसका बैलेंस, किसका यूनिट कैपिटल हमें छोटा आया? 2,000 ए का। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एस कैपिटल एस बेस, और क्या लिखेंगे, 2,000 इंटू पी एस आर। सो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है? 2,000 जो है पी एस आर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4,000, 2,000 into 1 will be equal to 2,000, 2,000 into B का PSR क्या है? 1, so 2,000 into 1 is equal to 2,000, इसके बाद हमें जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे final excess। ये final excess कैसे निकालना है? final excess के लिए इंट्रीम एक्सेस कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सो इंट्रीम एक्सेस है 4,000, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी है 4,000, तो नील आएगा। इंट्रीम एक्सेस है 17,000, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 2,000, तो ये आएगा 15,000। डन, इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन। इसमें हम सबसे पहले कैपिटल बैलेंस लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बाद चेक करते हैं क्या पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट या लॉस है क्या। अगर पार्टनर का कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व तो टोटल में 10,000 दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हम एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन, जो हमने वर्किंग किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, हम क्या करते हैं, हम वो जनरल रिजर्व को डिवाइड करते हैं। तो 2:1:1 विच इज 2+1+1=4, तो 10,000 × 2/4, 10,000 × 1/4, 10,000 × 1/4 हमें मिला 5,000, 2,500 एंड 2,500 दोनों को ऐड किया। अगर क्वेश्चन में कोई लॉस होता, नेट लॉस होता, तो वो असेट साइड में होता, उसको हम ऐसे ही रेशियो में लेस करते।
ऐसे तो कोई लॉस नहीं है, तो ये दोनों को ऐड करके जो मिला उसको हमने बोला नेट कैपिटल बैलेंस। इसके बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखने के बाद जो कैपिटल है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किया, तो हमें मिला, पता चला कि एक शेयर के पीछे एक पार्टनर ने, पार्टनर को अगर दो शेयर मिल रहे एक को, तो उसने एक शेयर के लिए कितना पैसा पे किया है कैपिटल का, तो 55,000 फॉर टू शेयर, तो डिवाइड बाय टू, वन शेयर के लिए 27,500, 42,500 फॉर वन शेयर, डिवाइड किया वन से तो मिला इसने कितना दिया और सी ने कितना दिया। तीनों को कंपेयर किया तो सबसे कम सी ने दिया है 25,500, तो उसको बेस लेके मल्टीप्लाई किया पीएसआर से। सो इसका पीएसआर है टू, तो 25,500 इंटू टू किया तो 51,000 आया। सेम वे 25,500 इंटू वन किया तो 25,500 आया। 25,500 इंटू, इसका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वन है, तो 25,500 इंटू वन किया तो आया 25,500। सो 55,000। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंट्रीम एक्सेस कैपिटल, उसमें हम क्या करते हैं, नेट कैपिटल बैलेंस में से माइनस करते प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो 55,000 है नेट कैपिटल बैलेंस और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 51,000, तो 55,000 में से 51,000 माइनस किया तो इंट्रीम एक्सेस आ जाता है 4,000। सेम वे 42,500 में से 25,500 माइनस किया तो मिलता 17,000। सेम वे 25,500 में से 25,500 माइनस किया तो नील जीरो मिलता है, तो लिखा नील। तो यही वे में हमने क्या किया, हमने, हमें ये इंट्रीम एक्सेस मिला, फिर हमने सेम स्टेप फिर से रिपीट किया, फिर से पीएसआर लिखा, फिर से डिवाइड करके बेस कैपिटल या यूनिट कैपिटल निकाला, फिर हमने फिर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है इसको बेस लेके मल्टीप्लाई किया पीएसआर से, तो 2000 इंटू इसका रेशियो है टू, तो मल्टीप्लाई किया तो 4000 मिला। फिर 2000 इंटू वन, क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वन, तो 2000 मिला। फिर अगेन सेम स्टेप, ये जो इंट्रीम एक्सेस है इसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस किया, 4000 माइनस 4000 इस नील, 17000 माइनस 2000 इस 15000। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम पार्टनर्स का ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के लिए सबसे पहले लास्ट लाइन में किसका आया है, बी का आया है। लास्ट लाइन में किसके इसमें अमाउंट है, बी के इसमें अमाउंट है। तो पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, पे टू मिस्टर बी, कितना अमाउंट पे करना है, रुपीस 15,000। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो एक लाइन ऊपर जाएंगे, ए और बी में अमाउंट है, ए में 4000 और बी में 2000, दोनों को ऐड करो, 4000 प्लस 2000, तो पे टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, कितना पे करना है, रुपीज 4000 प्लस 2000 6000 इन देयर पी एस आर, जो कि क्या है, 2:1, 2:1:1 है ना, तो इन दोनों का पी एस आर क्या है, 2:1। तो ये जो 4000 प्लस 2000 6000 है, इसको हमने 2:1 में डिवाइड किया। दो लास्ट लाइन देखते हैं और सेकेंड लास्ट लाइन देखते हैं, उसके बाद हर सम में सेम लिखना है, पे टू ऑल, दैट इज कौन कौन है, ए बी और सी इन देयर पी एस आर, जो कि है 2:1:1। सो दिस इज डन, ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज डन। ये कब देखना है, ये देखना है जब पार्टनर्स को पे करेंगे। अब हम जाएंगे ऊपर क्वेश्चन में और लाइबिलिटीज काउंट करेंगे ताकि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कर पाए। तो लाइबिलिटीज में पहला लाइबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स, उसके बाद है लोन, पर ये लोन तो पूरा पेड हो गया प्रीमाइसेस को बेच के,
ये लोन अगर पूरा पेड हो गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश स्टेटमेंट में क्यों आएगा? इसको चुकाना नहीं है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे हम वही लाइबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में दिखाते हैं जिसको पे करना बाकी है। अगर ये पूरा 30,000 नहीं पे किया होता, लाइक अवर लास्ट सम जिसमें जो मॉर्गेज लोन था उसका असेट को बेच के भी पूरा पे नहीं हुआ था, तो उसको लिखेंगे पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश स्टेटमेंट में। पर यहाँ पे तो पूरा जो हमारा लोन है ये पूरा का पूरा पे हो गया प्रीमाइसेस को बेच के, तो इसको काउंट नहीं करना है। सबसे पहले क्रेडिटर्स वन, पार्टनर्स लोन टू, जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में पार्टनर्स को, तो इसको भी काउंट नहीं करना है। क्रेडिटर्स वन, पार्टनर्स लोन टू, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल, तीन, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 लाइबिलिटीज है। तो हम पहले आउटसाइड लाइबिलिटी को लिखेंगे, जो क्रेडिटर है उसको पहले पे करेंगे, उसके बाद जो इनसाइड लोन है दैट इज एस लोन, जो कि विच इज द इनसाइडर्स लाइबिलिटी, उसको पहले पे करेंगे। ये दोनों पे होने के बाद ही हम कैपिटल को छुएंगे, कैपिटल पे करेंगे, और कैपिटल पे करते वक्त ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखेंगे। ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है, हम पहले बी को 15,000 देंगे, फिर ए और बी को 6,000 देंगे, उसके बाद भी अगर हमारे पास कैश रहेगा तो तीनों को देंगे एज पर 2:1:1। तो सबसे पहले हम ये डेट देखो बैलेंस शीट का क्या है, विच इज द बैलेंस शीट डेट, इट इज नॉट गिवन, नो नॉट गिवन। सो यहाँ पे हम डेट तो कुछ दिया नहीं है स्टार्टिंग का, तो ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे बैलेंसेस बॉट फॉरवर्ड, कैश अवेलेबल कितना है, असेट साइड में जाके देखेंगे कैश अवेलेबल है 3,000, कैश हमारे पास है 3,000, तो यहाँ लिखेंगे कैश अवेलेबल 3,000। फिर क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया है 5,000, और जो लोन है वो है 15,000, लेकिन क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का न्यू वैल्यू दिया है एडजस्टमेंट में कि क्रेडिटर्स कितने में सेटल हुआ, 4,000 में। तो हम न्यू वैल्यू लिखेंगे, मतलब क्रेडिटर्स को अगर 4,000 में सेटल हो रहे तो 5,000 क्यों पे करेंगे, जब क्रेडिटर्स 4,000 में सेटल होने वाले गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम उतना ही उनको पे करेंगे जितने में वो लोग सेटल हो रहे, जितना वो लोग मांग रहे। हमें तो उनको 5,000 लाइबिलिटी था, पर दे आर सेइंग 4,000 ही पे करो, तो हम उतना ही पे करेंगे। एस लोन है 15,000 हमने अभी क्वेश्चन में देखा, और पार्टनर्स कैपिटल कितना है, नेट कैपिटल बैलेंस देखो क्योंकि इसमें हमें रिजर्व को ऐड करके लिखना है, 55,000, 42,500, 25,500। तो कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, हमेशा नेट कैपिटल बैलेंस लिखना है 55, क्योंकि रिजर्व भी तो इनको ही मिल रहे, तो रिजर्व मिलने से इनका कैपिटल बढ़ गया 42,500, और सी का है 25,500। हमने तीनों कैपिटल लिख लिया, 55,000, 42,500 एंड 25, नेट कैपिटल बैलेंस 55,000, 42,000 एंड 25, 42,500 एंड 25,500, तो हमने लिख लिया। अब देखो एक ही कॉलम खाली है, दैट इज टोटल क्लेम्स। टोटल क्लेम्स के लिए क्या करो, पूरा लाइबिलिटीज को ऐड करो, 4,000 प्लस 15,000 क्रेडिट एस लोन का प्लस कैपिटल का 55,000 प्लस 42,500 प्लस 25,500, पूरा मिला के होता है 1,42,000। ये पूरा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लाइबिलिटीज को पे करते जाएंगे। लाइबिलिटीज को पे करते वक्त हम कैसे पे करेंगे, एज पर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन में
एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है, बाकी जितना भी लाइबिलिटी है सब इनसाइड लाइबिलिटी है। तो हम पहले तो आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटी है 4,000 क्रेडिटर, पर हमारे पास कैश अवेलेबल है सिर्फ 3,000। तो जितना है उतना पे करेंगे, लेस पे टू क्रेडिटर। देखो ये मिस्टेक बहुत लोगों ने किया है लास्ट प्रीवियस सम जो मैंने तुम लोगों को दिया था सॉल्व करने। आपके पास कैश अवेलेबल है तो पहले वो कैश अवेलेबल को पे करो। अगर आप हम कब ये कैश अवेलेबल, अगर मुझे ये 3,000 में, सपोज मेरे पास 3,000 रुपया है और मुझे साइड में पैसा रखना है, तो साइड में पैसा रखना है 4,000 और मेरे पास सिर्फ 3,000 है, तो मैं कैसे 4,000 साइड में रखूं? तब मैं रियलाइजेशन को ऐड करके, सपोज रियलाइजेशन 20,000 है तो 20 + 3 = 23,000 मेरे हाथ में आ जाएगा। तब मैं 4,000 23,000 में इजीली साइड में रख सकती हूँ। अब मुझे कुछ भी पैसा साइड में नहीं रखना है और मेरे पास कैश अवेलेबल है 3,000, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ मैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से, देखो क्रेडिटर को 4,000 पे करना है पर उतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, तो जितना है उतना पे कर दो, जितना है उतना पे कर दो। मेरे पास 3,000 है तो मैं 3,000 पे करूंगी तो मेरा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा, और मैं जब क्रेडिटर को पे करूंगी तो क्रेडिटर में मैं क्रेडिटर भी मेरा उतना कम हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लिखेंगे हमारा कैश अवेलेबल। कैश अवेलेबल है क्योंकि 3,000 था पूरा पे कर दिया, तो निल कैश अवेलेबल है और ये कितना हो जाएगा, 1,42,000 - 3,000 विच इज 1,39,000 और ये हो जाएगा 1,000। बाकी लाइबिलिटी को तो हाथ ही नहीं लगाया है, तो जितना था उतना ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। 55,000, 42,500 एंड 25,500। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे रियलाइजेशन में कितना पैसा आया। तो सबसे पहले रियलाइजेशन का डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट अस गो टू द क्वेश्चन। पहला रियलाइजेशन जून में आया और हमें मिला 5,000 मॉर्गेज लोन्स को सेटल करके, तो जून में मिला, जून है ना, जून है तो जून में लिखेंगे, इधर लिखेंगे जून, ये हमारा है फर्स्ट रियलाइजेशन। कितना अमाउंट मिला, हमें मिला 5,000, तो हम क्या करेंगे, ये 5,000 यूज करेंगे फॉर पेइंग द लाइबिलिटी। तो अब हमारे पास 5,000 है और 5,000 में हमें सबसे पहले पे करना है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स है 1,000, तो 5,000 में 1,000 एक ही बार में पे कर सकते, तो पे टू क्रेडिटर्स कितना पे करना है, 1,000 हमें क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 1,000, तो हमारा लाइबिलिटी भी 1,000 कम हो जाएगा। लाइबिलिटी मैम, अगर क्रेडिटर्स कम है और कैश ज्यादा है तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स कम है तो पूरा एक ही बार में पे कर देंगे, अगर मेरे पास कैश ज्यादा होता और क्रेडिटर कम तो मैं एक ही बार में पूरा का पूरा क्रेडिटर्स पे कर सकती थी। तो नेक्स्ट वन है, मेरा क्रेडिटर पूरा खत्म हो गया, अब कितना कैश अवेलेबल है, देखो कैश अवेलेबल है 5,000 में से 1,000 गया, तो अब हमारे पास 4,000 है। क्या क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, लेट मी सी, क्रेडिटर्स को क्यों पहले पे करेंगे, क्रेडिटर्स को इसलिए पहले पे करेंगे क्योंकि मैंने तुम लोग को ऑर्डर ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन किया है
ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम सबसे पहले प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज को पे करते। प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट ड्यूज या फिर एम्प्लॉय ड्यूज, वो तो ये क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करते। आउटसाइड लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओडी, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे सब एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, उसको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद इनसाइड लाइबिलिटीज को पे करेंगे। इनसाइड लाइबिलिटी में पहले पे करते पार्टनर्स लोन, उसके बाद पे करते पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे पार्टनर्स, अभी क्रेडिटर खत्म हुआ पे करके, अब हम किसको पे करेंगे? अब हम पे करेंगे एस लोन को। अब हम पे करेंगे एस लोन को। तो एस लोन, तो यहाँ पे देखो एस लोन जो है, यहाँ पे एस लोन है 15,000 का और हमारे पास कैश अवेलेबल है 4,000। तो क्या एक ही बार में 4,000 है पर पे करना है 15,000, तो क्या हम पे कर सकते हैं पूरा 15,000 एक ही बार में, जब हमारे पास सिर्फ अवेलेबल है 4,000? तो जितना अवेलेबल है पैसा उतना ही हम पे कर सकते हैं। तो पे टू एस लोन, कितना पे करेंगे? जितना हमारे पास कैश है उतना ही पे कर सकते हैं। तो कैश है हमारे पास 4,000, तो हम क्या करेंगे? 4,000 पे करेंगे। 4,000 पे करेंगे तो इसके बाद हमारे पास कैश अवेलेबल हो जाता है नील। कैश अवेलेबल हो जाता है नील, क्योंकि जितना कैश आया था हमने सारा पे कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे हमारा लाइबिलिटी कितना कम हुआ, 1,39,000 माइनस 1,000 माइनस 4,000, दैट इज इक्वल टू 1,34,000 माइनस करो। और यहाँ पे 15,000 में से 4,000 कम हो गया, तो हमारे पास बचता है अभी भी पे करने के लिए 11,000। इसके बाद 55,000 तो बिल्कुल पे नहीं किया, तो पूरा वैसे का वैसा ही है। फिर 42,500, फिर 25,500। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन में कैश तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है देखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि क्या कोई और रियलाइजेशन है। टोटल क्लेम लिखा है ना मैंने, टोटल क्लेम इधर लिखा ना 1,34,000 क्लेम्स। क्लेम्स मीन्स टोटल क्लेम्स, टोटल क्लेम्स लिखा तो 1,34,000। अब इसके बाद कैश अवेलेबल है नील, कैश अवेलेबल है नील। और अब हम देखना पड़ेगा कि इसके बाद भी हमें पैसा आया है। अगर पैसा आया है तो हम उसको नोट करेंगे। लेट अस गो एंड सी सेकेंड वाला कैश रियलाइजेशन है कि नहीं। सो यहाँ पे किसी का, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जाने के बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड रियलाइजेशन जो है हमें कभी आया है, जुलाई में। डेटर्स है 15,000 और स्टॉक है 10,000, दोनों मिला के होता है 15 प्लस 10 25,000। तो हम जाते हैं, वी गो टू अवर विच इज एट जुलाई या अगस्त है। देखो जरा, सेकेंड रियलाइजेशन जुलाई में है ना। यस, सेकेंड रियलाइजेशन जो है हमारा जुलाई में है। डेटर से 15,000, स्टॉक से 10,000। तो जुलाई में जाके हम लिखेंगे, जुलाई में हमें मिला है सेकेंड रियलाइजेशन 10,000 और 15,000, विच इज इक्वल टू 25,000। अब ये जो पैसा है
इसको हम यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे, लाइबिलिटी को पे करने के लिए। जरा देखो लाइबिलिटी में हमारे पास ए का लोन अभी भी बचा हुआ है पे करने के लिए जो कि 11,000 और हमारे पास है 25,000। तो क्या 25,000 में से हम 11,000 पे कर सकते एक ही बार में? हाँ कर सकते। सो टू पे टू क्या करना है, एस लोन पूरा एक ही बार में पे कर सकते, तो एस लोन पे करते। एस लोन कितना है 11,000, अभी भी बाकी है 4,000 पहले ही पे कर चुके। अब एस लोन पे करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी भी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा और क्या खत्म होगा, एस लोन पूरा का पूरा पे कर दिया। अब इसके बाद अब हमारे पास कैश अवेलेबल कितना रहेगा, जरा देखो एस लोन पे करने के बाद हमारे पास कैश अवेलेबल है 25 में से 11,000 माइनस करो कितना बचेगा 14,000। अब हमारे पास अवेलेबल है 14,000 और पे करना है अब बाकी है सिर्फ ए का कैपिटल, बी का कैपिटल एंड सी का कैपिटल। और जब पार्टनर्स कैपिटल पे करने जाते हैं तब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट बोलता है कि सबसे पहले बी को 15,000 पे करो, तो बी को 15,000 पे करने के लिए हमारे पास तो सिर्फ 14,000 अवेलेबल है। 14,000 से क्या हम 15,000 पे कर सकते हैं? 15,000 तो ज्यादा अमाउंट है और हमारे पास कैश अवेलेबल कम है, हमारे पास पूरा 15,000 पे करने जितना पैसा नहीं है, तो हम एक ही बार में बी को पूरा 15,000 नहीं दे सकते। तो जितना दे सकते हैं उतना पे करते हैं हम, कितना हम पूरा 15,000 नहीं दे सकते पर जितना है हमारे पास उतना तो दे सकते। तो पे टू बी हम कितना बी को देंगे, हम बी को जितना हमारे पास कैश अवेलेबल है उतना देंगे। जब हमारे पास कैश अवेलेबल ज्यादा रहता है तो हम पूरा का पूरा लाइबिलिटी पे कर सकते, लेकिन जब हमारे पास कैश अवेलेबल कम है तो जितना है उतना पे करेंगे। जैसे देख सपोज तुमने तुम्हारे फ्रेंड से लोन लिया तो तुमको अभी वो लोन को चुकाना है। सपोज तुमने 1,00,000 का लोन लिया पर अब लोन चुकाते वक्त तुम्हारे पास पूरा 1,00,000 नहीं है और फ्रेंड बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो तुम क्या करोगे? सपोज तुम्हारे पास सिर्फ 20,000 है तो तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम उतना उसको चुकाओगे। तो 1,00,000 का लोन है, तुम्हारे पास सिर्फ 20,000 है, तुमने 20,000 पे कर दिया। अब इसके बाद रिमेनिंग 80,000 तुम कब पे करोगे, जब तुम्हारे पास कैश अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ ये सम में भी हम लोग तभी लाइबिलिटी को हमारे कर्जे को चुका सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास कैश अवेलेबल होगा। तो हमें पता है किसको कितना पे करना है, लेकिन पे कैसे करेंगे, जैसे कैश अवेलेबल होगा। और कैश अवेलेबल कैसे होगा, जैसे रियलाइजेशन मिलेगा असेट को बेच के पैसा मिलेगा, वैसे वैसे हम लाइबिलिटी को पे करेंगे। कैसे पे करेंगे, एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में तो मेरा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है यूट्यूब में आप वो एक बार फिर से रेफर करो और समझो। तो यहाँ पे देखो 14,000 हमारे पास अवेलेबल था, बी को देना था 15,000 पर हमारे पास अभी सिर्फ 14,000 है, तो अभी हम सिर्फ 14,000 पे करेंगे बी को। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, कैश अवेलेबल जितना था हमने पूरा यूज कर लिया। अब हमारा कैश अवेलेबल क्या हो जाएगा, हमारा कैश अवेलेबल जीरो हो जाएगा। अब जरा देखो लाइबिलिटी कितना कम हो गया, लाइबिलिटी जो है 1,34,000 था, 11,000 पहले गया फिर उसके बाद 14,000 गया, तो अब हमारे पास है 1,09,000। और हमारा जो पार्टनर्स लोन था एस लोन, वो हमने पूरा पे कर दिया, लेकिन ए का कैपिटल कुछ भी अभी तक पे नहीं किया तो सेम रहेगा। बी का कैपिटल 42,500 में 14,000 पे कर दिया, तो अब हमारे पास है 28,500। एक में था
तो अब हमें कितना पे करना है? 28,500। तो हम क्या करेंगे, कितना पे करना है? 42,500 में से 14,000 माइनस करते तो बचता 28,500। सी को तो कुछ भी नहीं दिया तो पूरा अमाउंट ऐसे ही बाकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में देखो, पूरा कैश अवेलेबल 0 हो गया। थर्ड रियलाइजेशन है वो अगस्त में पैसा मिला है क्या? हाँ, अगस्त में भी हमें पैसा मिला है। अगस्त में कितना पैसा मिला देखो, थर्ड रियलाइजेशन देखो, अगस्त में डेटर से 20,000 मिला और स्टॉक से 25,000। 20 + 25 कितना होता है? 45,000। तो हमारा अगस्त का जो रियलाइजेशन है, अगस्त का जो रियलाइजेशन है, दैट इज अवर थर्ड रियलाइजेशन, 20 + 25,000 कितना हो जाता है? 45,000। अब इसको पे करने का स्टार्ट करते हैं, इसमें से पैसे लाइबिलिटीज को पे करते हैं। तो सबसे पहले किसको पे करेंगे? ऑर्डर ऑफ पेमेंट में देखो, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में बोलता है कि सबसे पहले बी को 15,000 देना है। 15,000 देना है तो हमने कितना बी को दिया? हमने तो अभी तक सिर्फ 14,000 दिया है, तो अभी भी कितना बी को मिलना बाकी है? अभी भी बी को पे करना बाकी है, पे टू बी। कितना पे करना बाकी है? 15,000 देना है बी को, और हमने बी बी को पे किया है, बी को पे किया है 14,000। तो अभी भी 15,000 में से 14,000 का लोन चुका दिया, तो अभी कितना पे करना बाकी है? 1,000 पे करना बाकी है। तो 1,000 पे करते हैं, किसको पे करना है? 1,000 टू बी, 1,000। इसके बाद कैश अवेलेबल कितना हो जाएगा? 1,000 पे करने के बाद हमारे पास कैश अवेलेबल हो जाएगा 44,000। अब अगेन ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जो बी को तो पूरा सेटल कर दिया, 15,000 पूरा दे दिया। अब सेकेंड स्टेप में किसको देना है? सेकेंड स्टेप में ए और बी को 6,000 देना है 2:1 रेशियो में। तो हमारे पास कितना पैसा है? हमारे पास 44,000 है। 44,000 में से 6,000 एक ही बार में दे सकते हैं क्या हम? 44,000 में पे टू ए बी कितना? इन रेशो 2:1 एक ही बार में दे सकते हैं ना ए और बी को, ए एंड बी दोनों को एक ही बार में दे सकते हैं। लेकिन कैसे ये अमाउंट को फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक साथ नहीं दिया है। तो कितना पे करना है ए और बी को? ए और बी को पे करना है, पे ए एंड बी 6,000, पे ए एंड बी रुपीस 6,000 इन कौन सा रेशो? इन रेशो 2:1। तो यहाँ पे देखो, ए में लिखो 6,000 इन टू 2/3। 3 कैसे मिला? 2+1, तो 6,000 इंटू 1/3। तो जरा करो, 3,000 का 2/3 कितना है? इज इट कमिंग 4,000? 6,000 का 2/3 इट विल कम 4,000, और यहाँ पे आएगा 2,000 1/3। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू आवर पेमेंट। कितना पैसा पे करना है दोनों को मिला के? 6,000। 6,000 पे करेंगे तो लाइबिलिटी भी उतना कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो हमें कितना देना है? ए को देना है 4,000 और बी को देना है 2,000। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है
हमारे पास कैश अवेलेबल कितना रहेगा ये पे करने के बाद? 44,000 में से 6,000 गया, तो वी विल हैव विथ अस 38,000. अब लेट अस सी योर चैट क्वेश्चंस. यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो इसके बाद कैश अवेलेबल हो गया. अब हम लोग देखते हैं, अभी भी हमें हमारे पास कैश अवेलेबल है 38,000. ये 38,000 को अब हमें किसको पे करना? पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप 6,000 भी दे दिया. अभी भी अभी भी अगर हमारे पास क्या, ए पहला स्टेप वन हो गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट का, स्टेप टू हो गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट का. अब हम अभी भी अगर हमारे पास कैश है तो हम स्टेप थ्री करेंगे, दैट इज पे टू ऑल. तो पे टू ऑल करने के लिए अब हमारे पास कितना कैश है? 38,000. तो करेंगे लेस पे टू ऑल. तो ये पूरा 38,000 को इधर लिखना है, और सेम वे यहाँ पे भी लाइबिलिटी भी उतना पूरा कम हो जाएगा 38,000. अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को डिवाइड कैसे करना है 38,000 को? वो तो उसके लिए तो हमें रेशो के में रेशो करना पड़ेगा. पे टू ऑल कितना? रुपीस 38,000. तो अब कैसे करेंगे? 38,000 इंटू कौन, क्या रेशियो है? 2:1:1. तो 2/4 इधर 38,000 इंटू 1/4, और यहाँ पे 38,000 इंटू 1/4. अब मुझे आंसर बताओ सबका, क्या आंसर आ रहा है? 38,000/2/4 आंसर आ रहा है आप लोगों को सबको? 19,000. और यहाँ पे 38,000/1/4 आ रहे सबको 9,500, और यहाँ पे भी आएगा 9,500. तो ये आंसर आ गया, डिविशन मिल गया. आंसर मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और इधर लिखेंगे व्हाट इज द आंसर वी गॉट. 19,000 इधर लिखेंगे, 9,500 और इधर लिखेंगे 9,500. डन. नाउ हमारे पास कैश अवेलेबल कितना रहेगा? पूरा हमने यूज कर लिया, तो कैश अवेलेबल हो जाएगा नील. और लेट अस सी अवर टोटल लाइबिलिटी कितना रहेगा. 1,09,000 में से कितना माइनस हो जाएगा? पहले 1,000, फिर 6,000, फिर 38,000. पूरा माइनस करने के बाद हमारे पास अभी भी लाइबिलिटी बचेगा 64,000. तो यहाँ पे 55,000 में से 4,000 माइनस किया, फिर माइनस किया 19,000, तो हमारे पास बचेगा 32,000. और इधर 28,500 था, माइनस किया 1,000, फिर माइनस किया 2,000, फिर माइनस किया
9,500 आंसर बचेगा, 16,000 लास्ट वाले का, 25,500 माइनस 9,500 कितना बचा, इधर भी आंसर आया 16,000। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या और कोई रियलाइजेशन है, तो क्वेश्चन में जाके देखते हैं इज देयर एनी अदर रियलाइजेशन आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। यस, सितंबर में हमें कितना पैसा मिला, सितंबर में हमें डेटर से मिला 17,000, स्टॉक से मिला 23,000 और जो बी है वो बचा हुआ स्टॉक को लेके गया 3,000 में, तो पूरा मिला के 17,000, 23,000 और 3,000 कितना आता है, 17 एंड 23 इज 40 प्लस 3 इज 43,000 जो तो हमारा सितंबर का फाइनल रियलाइजेशन है। यहाँ पे लिखेंगे फाइनल रियलाइजेशन, इसमें हमें कितना मिला है, इसमें हमें 17,000 मिला, फिर कितना मिला 17,000, फिर कितना मिला 20,000, फिर मिला कितना 3,000, 17,000 और 3,000, 17,000, 17,000, 20,000 और 3,000 ये सबको ऐड करके होता है 43,000। दिस इज अवर फाइनल रियलाइजेशन। इस फाइनल रियलाइजेशन को क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे से पार्टनर्स को ही सिर्फ पे करना बाकी है, और पार्टनर्स को पे करने के लिए पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, इसके बाद जितने बार भी पैसा मिलेगा पे टू ऑल करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन पे कैसे 40,000 है, एक मिनट, 40 इट इज 43,000 ना, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड, 17 एक मिनट 23 है ना ये, सॉरी माय मिस्टेक, ये 20 नहीं है 23 है, नाउ 43 इज करेक्ट। वी विल गो अबाउट टू क्रॉस चेक व्हाट आई हैव रिटर्न, सी हियर 17,000, 23,000 and 3,000, so 43,000, thank you for correcting me, so अब जो 43,000 है ये लिखेंगे less pay to all, नहीं 40,000 नहीं है सोनू, इट इज 43,000 बिकॉज मैंने यहाँ पे 20,000 रॉन्ग लिखा था, ऊपर देखा हमने चेक किया 17,000 है, 23 है, 20 नहीं है 23, 17,000 मिला डेटर से, 23,000 मिला स्टॉक से, और जो मिस्टर बी स्टॉक घर लेके गया उसका उसने 3,000 दिया, तो पूरा मिला के हो गया 43,000। अब हम क्या करेंगे, ये 43,000 को डिवाइड बाय 3 कर, तीनों को डिवाइड करना है ना, सो पे टू ऑल रुपीस 43,000, तो यहाँ पे 43,000 इसका आंसर रेडी रखो, 2 डिवाइड बाय 4, 43,000 इनटू 1 डिवाइड बाय 4 और 43,000 इनटू 1 डिवाइड बाय 4, तो क्या आंसर है, 43,000 इनटू 2 डिवाइड बाय 4,
हमें आंसर आ रहा है 21,500, और बाद में जो आंसर है 10,000, सॉरी 43,000 इंटू 1/4 इज 10,750. आर यू ऑल गेटिंग द सेम आंसर? यस, वेरी गुड, करेक्ट. तो यही हम यहाँ ऊपर लिखेंगे. तो ये पूरा 43,000 अब हम यूज कर लेंगे, तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा 43,000 से. अब ए को मिलेगा 21,500, बी को मिलेगा 10,750, और सी को मिलेगा 10,750. तो अलाइनमेंट ठीक करूं. इसके बाद कैश अवेलेबल कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा हमने यूज कर लिया, लेकिन ऊपर देखो इसके बाद भी कोई रियलाइजेशन है? नहीं है, बिकॉज ये जो सितंबर महीने में जो पैसा मिला वो फाइनल था, लेकिन हम पूरा उधार नहीं चुका पाए. अभी भी पार्टनर्स को थोड़ा पैसा मिलना बाकी है, तो अभी जो पैसा नहीं मिल पाएगा वो कभी भी नहीं मिल पाएगा. तो टोटल हमारा लाइबिलिटी था 64,000, जिसमें से हमने 43,000 पे कर दिया. तो ये जो 21,000 जो अभी भी लाइबिलिटी पे करना बाकी है, इट इज नोन एज रियलाइजेशन लॉस. तब ये 32,000 में से 20, ये अभी ए का कितना हिस्सा है देखो, लॉस का कितना पैसा उसको नहीं मिला 10,500, अब उसको कभी भी नहीं मिल पाएगा. बी को 16,000 माइनस 10,750 करो, कितना 5,250, कभी भी नहीं मिल पाएगा. और सी का भी सेम अमाउंट है 5,250. दिस फाइनल अमाउंट इज नोन एज द रियलाइजेशन लॉस. एंड विद दिस वी आर डन विद दिस सम. नेक्स्ट